Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor from Pakistan, first free of learning platform VTuition से, जहां आपको free video lecture, free PPTs, free notes and free quizzes जो है वो just one click के ऊपर, अगर आप VTuition को subscribe करते हैं और bell के icon को भी press करते हैं, तो आपको जो है वो everything about chemistry अपने experience and expert tutors से जो है वो VTuition पर easily available हैं. और इस तरह अब आप अपने एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बनाकर, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट बनाकर अपने मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अपने 2023 बोर्ड एग्जाम के अंदर. तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम HSC पार्ट टू सेकेंड ईयर और सिंध बोर्ड का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, और इसके अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल लोकेटेड एट पोजीशन 1, बिकॉज एटॉमिक नंबर 1 एंड एग्जिस्टेंट प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम 3 आइसोटोपिक फॉर्म, देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रोड्यूस डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंटरनेशनल टू एनहांस द the economy of country and is very important. So therefore industrialization in industries, hydrogen is used as a reagent or a reactant, as a reactant to produce different products like aapke paas jo hai wo similar, for example aapke carbonic acid hai, for example jo hai wo baking soda, for example aapke paas jo hai wo sodium carbonate washing soda etc. are different purposes in different chemical reactions. Hydrogen is very important. So hydrogen jo hai wo bahut hi important hai, isliye hydrogen ko prepare kiya jata hai industry ke andar, aur isi hydrogen se phir aage further jo hai wo by product jo hai wo produce ki jati hai. Aur aapke paas wahi method, best se best method hota hai jiske andar hamare paas har industry yahi chahti hai ki uski economy jo hai wo हाई लेवल पर जाए, और उसकी जो यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो, और उसके ऊपर जो कॉस्ट आए वो लेस कंज्यूम्ड हो, चीपर हो, और जो है वो लेस टाइम के अंदर जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो. देयरफॉर यील्ड ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट इज वेरी नेसेसरी टू एनहांस इकोनॉमी ऑफ एनी इंडस्ट्री, ऑफ एनी लैब प्रोडक्ट जो कि हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है. सो जो हमारे पास जो हाइड्रोजन था, इसका आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ये सेकंड मेथड है जो कि हमारे पास, सेकंड मेथड से हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को फर्स्ट मेथड से जो स्टडी किया था वो हमने जो है वो फर्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी किया था, और उसको हमने जो है वो क्लियर किया था. वो फर्स्ट टॉपिक क्या था? वो फर्स्ट टॉपिक ये था कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी, सिंपली जो है वो हमने प्रोड्यूस की थी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से, बट वो कॉस्टली था और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होती थी. अब ये जो सेकंड मेथड है ये चीपर मेथड है और बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस. इसलिए इस मेथड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस के इस मेथड के अंदर जो है वो हमने स्टडी करना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 नेम ही इसका हाइड्रोजन है. इसकी आउटलाइन हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मेथड 2 डेट स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, जिसके अंदर हम जो है वो मेथड 2 के अंदर स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस जो इसका नेम है वो इसका मेथड 2 है. अब दी स्टूडेंट, यहाँ मेथड 2 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आपका जो नेम है वो स्टीम क्यों रखा? डियर स्टूडेंट, स्टीम कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर वेपर्स होते हैं एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, इज कॉल्ड स्टीम. स्टीम माने जिसे आप कहते हैं भाप. जब आपके पास जो है वो वाटर गैसियस फॉर्म के अंदर हो तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और वो वाटर लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स के अंदर बाय गेन ऑफ टेम्परेचर, बाय गेन ऑफ हीट, इज कॉल्ड स्टीम. एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन आपके पास जो है वो कार्बन विद हाइड्रोजन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एलिमेंट हो एंड हाइड्रोजन हो, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो डियर स्टूडेंट, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन को, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो इट मीन ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जिसका रिएक्शन अगर हम स्टीम से करेंगे
तो हमारे पास जो है वो वाटर वेपर से, तो इस तरह से हम जो है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वाटर, वाटर से, जो कि हमारे पास जो है वो प्रीवियस मेथड था फ्रॉम नेचुरल गैस। और इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर भी वाटर जो है वो डियर स्टूडेंट कंज्यूम होती है हमारे पास वेपर्स की फॉर्म के अंदर, स्टीम की फॉर्म में। नेचुरल गैस मीन आपके पास जो गैसेस होती हैं वो नेचुरल गैस या ऑर्गेनिक होती हैं, ये हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल में आती है। हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल, व्हेन कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड विद कार्बन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड नेचुरल गैसेस। बिकॉज दिस स्टूडेंट, कार्बन वन टू कार्बन थ्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्बन वन टू कार्बन थ्री जो है वो हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड होता है। कार्बन वन टू कार्बन थ्री और कार्बन फोर आर गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल गैस के अंदर आपको ऐसे आती है मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन। बट अप टू कार्बन फोर जैसे ही आप जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं तो आपके पास कार्बन जो है वो फोर टू वर्ड ऑनवर्ड जब आप आगे जाते हैं तो आपके पास जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बिकॉज क्योंकि उनके अंदर वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है। तो देयरफॉर नेचुरल गैस मीन जो आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होती हैं, और यही आपके पास जो है वो नेचुरल गैस है। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं बिकॉज क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दीज गैसेस। एंड अमोनिया NH3 इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन इंडस्ट्रीज। मेथड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपोर्टेंस, कि उनकी इंपोर्टेंस क्या है, इस पर मेथड को अरेंज किया। जैसे कि हम जो है उसके अंदर मेथड टू को स्टडी करेंगे। अब ये जो हमारे पास मेथड टू है ये हमने स्टडी करने है, और मेथड टू जो है वो कहता है कि स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस को यूज करते हुए हमने अपनी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट ये बताता चलूं आपको कि अगर आप जो है वो यहाँ पर मिक्सचर लेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन है ये एज अ रिएक्टेंट है इन दिस केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सो मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस, स्टीम एंड नेचुरल गैस डी स्टूडेंट आपको बताया कि मिक्सचर जो है वो आपके पास ऐसा याद रखिएगा जिसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन न हो एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, तो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर आपके पास डियर स्टूडेंट, आप स्टीम लेंगे, स्टीम माने आपको बताया मैंने कि वाटर होगा, वेपराइजेशन फॉर्म के अंदर होगा, हाईली टेम्परेचर होगा इसका, हीट की फॉर्म के अंदर होगा, तो उसे आप स्टीम कहते हैं। एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस डियर स्टूडेंट आपको मैंने बताया कुदरती गैस, और ये नेचुरल गैस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैस जो प्रोड्यूस हो रही है हम बर्निंग के लिए, कम्बशन के लिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नेचुरली होती हैं पेट्रोल के साथ। पेट्रोल लिक्विड स्टेट के अंदर आता है बिकॉज क्योंकि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो जाती है, सो वो लिक्विफाई हो जाती है। गैसेस कैन बी लिक्विफाई। तो नेचुरल गैसेस के अंदर वो गैसेस जो हमने जो है वो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस की हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, और ये नेचुरल गैस जो है वो हमारे पास कौन कौन सी होती है डियर स्टूडेंट, तो याद रखें कि जो हमारे पास नेचुरल गैसेज होती हैं इनको अगर हम मैं राइट करूँ तो मेरे पास जो है वो नेचुरल गैसेज जो है वो डी स्टूडेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम कार्बन वन टू कार्बन नंबर फोर तक, ये नेचुरल गैसेस होती हैं। जिनकी एग्जांपल में मैं लिखूं तो डी स्टूडेंट मेरे पास मीथेन है CH4, मेरे पास इथेन है C2H6 इथेन, मेरे पास प्रोपेन है जो कि मेरे पास जो है वो C3H8, एंड सिमिलरली मेरे पास जो है वो ब्यूटेन होती है डेट इज C4H10। तो डी स्टूडेंट ये तमाम के तमाम जो है वो गैसेस हैं, और ये सारी की सारी जो है वो नेचुरल गैसेस कहलाती हैं, और ये जो है वो मेरे पास अल्केन्स कहलाती है, अल्केन्स ALKANES। डियर स्टूडेंट अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपने अभी स्टडी किया था स्टीम विद हाइड्रोकार्बन, ये प्रोसेस है, तो हाइड्रोकार्बन के ही बताता चलूं कि ये डिफरेंट नेम है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, या आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इतनी ज्यादा डिटेल के साथ आपको जो है वो बता रहा हूँ और आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इट मीन यहाँ पर जस्ट वन लाइन के अंदर भी मैं आपको जो है वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद दिस एंड दिस केमिकल रिएक्शन विद दिस रिएक्टेंट। बट डियर स्टूडेंट यहाँ मैं आपको जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ और आपके कंसेप्ट को मैं माइन्यूट लेवल पर जाकर जो है वो सॉल्व करता हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट है केमिस्ट्री में वो क्लियर हो और आपके पास इतना नॉलेज हो कि अगर आपको जो है वो टॉपिक से हट कर भी कोई और क्वेश्चन भी आ सके तो आप जो है वो अपने बोर्ड के अंदर उसको अपने कंसेप्ट को राइट करते हुए अपने एग्जाम के अंदर 100 out of 100 मार्क्स को आप इजिली अवेलेबल अचीव कर सके। इसलिए डियर स्टूडेंट आप
हमेशा अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से ही स्टडी करें, ये मेरा आपको जो है वो मशवरा है, ताकि जो है वो आप अपने आने वाले एग्जाम की अंदर प्रिपरेशन बेस्ट बनाएं और आगे भी इन फ्यूचर आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाएं, आपका जो टेस्ट हो या किसी भी फ्यूचर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप वहां किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है वो परेशानी का सामना ना करें और आप अपने कॉन्सेप्ट को बेस्ट बेस्ट बनाएं अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनली फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वी ट्यूशन पर आपको अवेलेबल है, जहां आप जो है वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए यहां मैंने आपको बताया कि अल्केन्स हैं, ये हमारे पास वही हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन 1 टू कार्बन 4 है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 तक ये हाइड्रोजन इसके साथ है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये सारे के सारे तमाम जो है वो नेचुरल गैसेस हैं, अल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इन्हीं को हम डियर स्टूडेंट कंबशन रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं और इन्हीं को हम जो है वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इनमें से कोई भी आप जो है वो ले सकते हैं टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, बट इन दिस मेथड डियर स्टूडेंट यहाँ जो एज ए एग्जाम्पल ली है वो ये CH4 मीथेन को यूज किया गया। अब डियर स्टूडेंट आपने इस मीथेन का और वाटर का मिक्सचर लेना है, बट यहां पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी इस केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए सम कंडीशंस आर अवेलेबल, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन को फॉलो कराना बहुत जरूरी होता है। इन कंडीशन पर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है और उसकी यील्ड जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है एट लो एंड लो कॉस्ट के ऊपर, इन लेस टाइम के ऊपर और लेस टाइम के ऊपर। डियर स्टूडेंट यहां पर कैटेलिस्ट यूज हो रहे हैं, दैट इज निकल, जो कि हमारे पास निकल कैटेलिस्ट, निकल कैटेलिस्ट यूज हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट याद रखें, निकल जो है वो मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटेलिस्ट। ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एज अ कैटेलिस्ट के तौर पर भरकर ड्यू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन और ट्रांजिशन स्टेट, तो ये इसका रीजन। अब व्हाट इज कैटेलिस्ट? तो डियर स्टूडेंट एज यू नो डेट कि आपको बताया कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही चाहती है कि उसकी जो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट वो मैक्सिमम हो, लेस टाइम के अंदर अगर वो प्रोड्यूस होगी तो उसकी यील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी और उसके ऊपर कॉस्ट कम से कम आएगी और इकोनॉमी जो है वो मोर प्रॉफिट होगा और इकोनॉमी जो है वो बेहतर। इसलिए कैटेलिस्ट डियर स्टूडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज यूज टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, टू एनहेंस द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन और the conversion of reactant into product in less time, अगर उसको कम टाइम में प्रोड्यूस करना है तो वो कैटलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। कैटलिस्ट प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस और ये मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट को यूज किया जाता है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड मेटल्स आर प्योर। अब कैटलिस्ट किस तरह स्पीड अप केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट याद रखें कैटलिस्ट वो शॉर्टकट वे बता देता है, वो शॉर्टकट पाथ दे देता है जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास उस शॉर्टकट वे से प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है वो हमारे पास 3 to 4 स्टेप्स के अंदर प्रोड्यूस होना है, तो स्टेप्स के अंदर प्रोड्यूस होने से जो है वो ऐसा होता है कि रिएक्शन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास किसी भी यील्ड आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है और उसके ऊपर जो है वो आपके 12 to 14 आवर्स लग रहे हैं, हाफ एन डे लग रहे हैं, तो याद रखें कैटलिस्ट को यूज करने से आप वही केमिकल रिएक्शन, वही प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट इन मिनट्स और आवर, आप वो मिनट्स और आवर में यूज कर सकते हैं डे का काम। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप जो है वो इस तरह 30 मिनट्स या एक घंटे के अंदर या जो है वो आप उससे भी लेस टाइम के अंदर कैटलिस्ट को यूज करके अपने केमिकल रिएक्शन को फौरन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कैटलिस्ट को यूज किया, निकल कैटलिस्ट को। बट डियर स्टूडेंट यहाँ टेम्परेचर भी गिवन है, डेट इज 900 डिग्री सेंटीग्रेड। एट हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दीज आर टू कंडीशन इन विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, इन पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। इस तरह केमिकल रिएक्शन जो है वो कंडीशन जो है वो चाहिए होती है प्रोड्यूसेस, और इस तरह जो प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट बनती है वो याद रखें यहाँ पर मिक्सचर बनेगी, प्योर हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट ये वो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि इससे प्रीवियस वाला आपने पढ़ा था गैसेस आर प्रोड्यूस इन प्योर फॉर्म, तो यहाँ आपने हाइड्रोजन को प्योरीफाई करना होगा, बिकॉज मिक्सचर इज इम्प्योर फॉर्म, मिक्सचर कॉम्बिनेशन का नाम होता है, और यहाँ पर मिक्सचर जो है वो हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड मीन सीओ, इसका मिक्सचर प्रोड्यूस हो गया एज अ प्रोडक्ट, और दीज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड एज वाटर गैस। इसको डियर स्टूडेंट आप यहां पर वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस आपके पास नेम होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब डियर स्टूडेंट नेचुरल गैस कंटेन अबाउट 94.60% मीथेन। डियर स्टूडेंट ये जितनी भी नेचुरल गैसेस आपके सामने मैंने जो है वो डिस्क्राइब की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन गैसेस के अंदर जो हमारे पास 94.60% है वो मीथेन को यूज किया जाएगा। मीन 100% अगर ये गैसेस टोटल होंगी तो उनमें से 94.60% मैंने आपको बताया मीथेन गैस को जो है वो एज अ रिएक्टर लिया जाएगा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। बिकॉज क्योंकि मीथेन गैस जो है वो लाइटर होगी, क्योंकि इसका जो है वो वेट कम होगा, कार्बन हाइड्रोजन तादाद कम है, रिएक्शन फास्ट होगा बिकॉज कोलिजन आपस में ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस टू प्रोड्यूस वाटर गैस एंड हाउ टू प्यूरिफाई हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। तो डियर स्टूडेंट इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है कि आप देख रहे हैं CH4 मीथेन को लिया गया 96.4% एंड वाटर एज अ स्टीम इज पास्ड, और स्टीम वाटर जो है वो पास की, और ये दो आपके जो है वो रिएक्टेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट और रिएजेंट। एंड कंडीशन आपका निकल कैटलिस्ट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सचर ऑफ वाटर गैस। ये आपके पास मिक्सचर है वाटर गैस का, ये प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस कहलाती है, ये वाटर गैस इनके मिक्सचर का नेम। अब डियर स्टूडेंट जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी वाटर गैस, तो डियर स्टूडेंट क्योंकि हमें ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इस हाइड्रोजन को हम जो है वो प्योरीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन इज प्योरीफाई, हाइड्रोजन को हम जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं किस तरह से, अगर हम जो है वो इस वाटर गैस को पास करते हैं विथ फर्दर वाटर स्टीम से। अगर हम इसी वाटर गैस में फर्दर स्टीम को पास करें तो मैं आपको यहाँ मेथड भी बताता चलूं कि किस तरह से हम यहाँ हाइड्रोजन को जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं, और ओनली ओनली हाइड्रोजन को जो है वो हम अचीव कर सकते हैं और एक्सेप्ट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के। अगर हम इसी वाटर गैस के मिक्सचर को फर्दर जो है वो अगर हम जो है वो पास आउट करें किसके साथ, अगर हम इसको पास आउट करते हैं वाटर जो कि H2O, और ये भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में हो, स्टीम की फॉर्म में हो, और यहाँ पर जो है वो हम इस पर जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो आयरन ऑक्साइड FeO या निकल ऑक्साइड कंडीशन हो FeO की, और यहाँ हम जो है उसको हाई टेम्परेचर जो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको टेम्परेचर दूं। तो याद रखिए इन कंडीशन पर अगर वाटर गैस को फर्दर स्टीम गैस से पास करें Fe आयरन ऑक्साइड और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो स्टूडेंट ये हमारे पास वाटर गैस जो है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और मेरे पास ऑनली जो है वो हाइड्रोजन H2 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और मेरे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगी जो है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म। इस तरह से डियर स्टूडेंट कंडीशन को फर्दर अप्लाई करते हुए हम प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन को गेट कर सकते हैं और अपना जो रिएक्शन है उसके अंदर जो है हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रिपरेशन क्वेश्चन जिनके अंदर आप जो है वो कोई भी इंडस्ट्रियल के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो पेपर के अंदर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और 70-80% जो है वो चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का एग्जाम में आना। तो डी स्टूडेंट आप इसी तरह के एग्जाम के हवाले से क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ और जो है वो अपने रेगुलर बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, ट्यूटर्स के साथ, वी ट्यूशंस के ऊपर आप जो है वो वॉच आउट कर सकते हैं। आप जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, और ताकि आने वाले हर वीडियो लेक्चर आप तक जो है वो इजीली अवेलेबल हो। और डियर स्टूडेंट आप जो है वो वी ट्यूशन कम्युनिटी को सब्सक्राइब करके, वी ट्यूशन कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, www.vtuition.com पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।